अज्ञात दृश्यम नवदेव रूपम ज्ञानी सदाज्ञ चक्रम सदैव पूर्णम च पूर्णा सदैव योगिनी सदा सहायम भवतां स्वयमे। शास्त्रों में एक योगिनी तंत्र है और उसमें 108 योगिनियों का वर्णन है। योगिनी शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि योगिनी अपने आप में गंधर्व जाति से संबंधित है। गंधर्व जाति है जो देवताओं को संगीत से प्रसन्न करती है और धन धान्य की मालिक होती है। कुबेर गंधर्व थे और वो देवताओं के खजानची या कोषाध्यक्ष हैं। ठीक इसी प्रकार से अप्सरा से थोड़ा सा उच्च वर्ग जो है वह यक्षिणी को कहा गया है। अप्सरा जैसी सुंदरी, अप्सरा जैसी कोमल और अप्सरा जैसी फलदायक और जीवन में पूर्ण अनुकूलता देने वाली जो सुंदरी है उसको यक्षिणी कहा गया है। उन 108 यक्षिणियों में भी 16 यक्षिणियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जैसे पूरे भारतवर्ष में मिस इंडिया का चुनाव हो तो लाखों लड़कियों में से केवल एक लड़की का चुनाव होता है, उसको मिस इंडिया कहते हैं। ऐसे 108 अप्सराओं में से 8 अप्सराएं महत्वपूर्ण हैं और 16 योगिनियां महत्वपूर्ण हैं। इन योगिनियों की साधना थोड़ी कठिन अवश्य है मगर असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। और हमारी न्यूनता कमी यह है कि हम जो समझ नहीं सकते उस पर अविश्वास करने लग जाते हैं। अगर आपने अमेरिका नहीं देखा हो तो आप अविश्वास कर अमेरिका होता ही नहीं, इससे अमेरिका समाप्त नहीं हो जाएगा। अमेरिका अपनी जगह है। ठीक इसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण करना, सहस्रार जागरण करना, अप्सरा सिद्ध करना, षोडश योगिनी वश में करना या कोई साधना में सिद्धि प्राप्त करना, आप में से 30% लोगों को सफलता मिलती ही है। अगर 30% को मिलती है तो फिर 100% लोगों को भी मिल सकती है। इसलिए जो मैंने कहा कि कई चीजें जो हमारे बुद्धि में नहीं आती उनमें हम विश्वास नहीं करते। मेरी नानी जी इस समय भी 97 एज की है, 57 साल की है, 100 में 3 साल कम है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी आप कपड़े खुद धोती है अपने और रोज 1 किलोमीटर घर में घूम लेती है और कभी इच्छा होती है तो खुद रोटी बना के भी खा ले। बहुत तो बनाती है, खुद भी खा लेती है बना करके। दांत बिल्कुल हैं और बाल वापस काले होने लग गए, पहले सफेद हो गए थे बीच में वापस बाल काले होने लग गए। मगर आज भी जब उनको कहे कि टेलीफोन लो नानदस से तुम्हें बात करनी है तुम्हें करवा देता हूं, दिल्ली में है तो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, अब यहां से कम से कम 2000 मील दूर बैठा है, अब मैं चीखूंगी जोर से चिल्लाऊंगी भी तो मंदिर तक आवाज जाएगी, वहां से बात थोड़ी हो सकती है। तो मैं मामा जी समझाते हैं कि बात हो सकती है, तुम बात करके देखो। उसको विश्वास आता ही नहीं, उसको विश्वास नहीं आता कि मैं जोर से बोलूंगी कितनी 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा आवाज जाएगी, मगर 2000 किलोमीटर कैसे जाएगी। आपकी वो स्थिति है, आपकी भी नानी जी वाली कि योगिनी होती नहीं, होती तो बस में होती नहीं, अदृश्य गमन होता ही नहीं, हम अदृश्य हो ही नहीं सकते, हम जल पर चल नहीं सकते, क्योंकि आपकी मानसिकता में ये बात घर कर गई है कि आप निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने ये बात आपके मेरे मन में घर कर गए और हम विश्वास करते ही नहीं, न गुरु पर, न देवताओं पर, न मंदिर पर, न अपने आप पर नहीं करते। और जब तक ये मानसिक परिवर्तन आपका नहीं हो पाएगा तब तक साधना में विश्वास नहीं जम पाएगा। विश्वास नहीं जम पाएगा तो सफलता भी नहीं मिल पाएगी। और हमारे शास्त्र आपके सामने प्रत्यक्ष है और लिखी हुई चीज कोई मैंने आपने लिखी नहीं, और उसमें कई वर्णन ऐसे हैं जो ऋषियों ने लिखे हैं जो हमारे ही पूर्वज थे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने रासलीला खेली तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बने और प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण नाचते रहे रात भर। तो महाभारत में आप महाभारत शीरे लाता था उसमें आपने देखा।
तो एक आदमी हजार कैसे बन सकता है फिर? या तो शास्त्र पुराण वेद व्यास गलत है, झूठे हैं, या हम गलत हैं। उनको गलत लिखने से फायदा क्या था कि भाई हमारी पीढ़ियां आगे की आएगी तो उसे गलत लिख के रख दो, उनको तो फायदा था नहीं। मगर हमारी बुद्धि में वो नहीं आ सकती कि एक आदमी कैसे हो सकता है, एक आदमी अदृश्य कैसे हो सकता है। हनुमान एक ही पूरे पहाड़ को हाथ में उठा के कैसे ला सकते हैं? और जितनी भी उच्च कोटि की साधनाएं हमारे शास्त्रों में दी गई है, वे तभी सफलताएं पाई जा सकती हैं जब आप साधना की तरफ रुचि लें, इंटरेस्ट लें, विश्वास करें। और मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता नहीं हूं, मेरे कहने की बात विश्वास मत करिए, मगर आप करके देखें और फिर हो तब आप माने। पत्रिका में कई लोगों के अनुभव छपते हैं, उनका फोटो छपता है, एड्रेस छपता है, आप उनको कॉन्टेक्ट कर लें, मिल लें। मैं आपको ऐसे 8-10 सन्यासियों के नाम देता हूं, आप उनके पास चले जाएं, आप उनसे मिल लें और उनको अदृश्य होते हुए देख लें, उनको 10-10 रूपों में कन्वर्ट करते हुए देख लें, फिर आपको विश्वास होगा। और वो भी आपकी तरह आदमी, सामान्य आदमी, धोती कुर्ता पहने हुए, देखने में मालूम नहीं पड़ेगा कि इनके पास इतना अद्भुत और तेजस्वी ज्ञान है। क्योंकि जो मैट्रिक पास है उसका चेहरा वैसा ही है, जब बीए पास करता है तो चेहरा वैसा ही होता है, कोई ऐसे लाट में लिखा नहीं होता बीए, फिर एमए करने के बाद लिखा नहीं होता। इसलिए कोई उच्च कोटि के योगी और आप में कोई देखने का डिफरेंस नहीं आएगा। तब आएगा जब आपके पास ज्ञान चक्षु जागृत होंगे, जब दिव्य चक्षु जागृत होंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये उच्च कोटि का योगी है, ये फ्रॉड है, ये सही साधु है, ये नकली साधु है। तो मालूम पड़ सकता है, हम नकली और असली में भेद नहीं कर पाते। मेरे दिल्ली की जितनी चीजें बनी हुई है वो मुझे तो असली से भी बिल्कुल ज्यादा सही लगती है, और कई बार धोखा खा जाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने, अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक सुई बनाई बहुत पतली, और उसने कह दिया कि इससे पतली सुई नहीं बन सकती। 19 में आप देखें 26 नंबर की सुई लगती है, और फिर 24 नंबर की, 22 नंबर की, 21 नंबर की, तो बाल के बराबर, बाल के जैसी पतली सुई बनाई। वो जापान के पास में गई वह सुई, तो जापानियों ने परिश्रम करके, बुद्धि लगा करके उसमें छेद कर दिया, इतनी बारीक, बाल जैसी बारीक सुई में भी छेद कर दिया। वो फिर इंडिया वालों के पास आई, इंडिया वालों ने सोचा कि हम अमेरिका इंग्लिश से कमजोर तो हैं, उन्होंने उसको ऊपर लिख दिया मेड इन इंडिया। बस चलिए सर, गीत गाइए, अमेरिका वाले जापान वाले गीत गाइए, मैंने तो पूरा लिख दिया, लेबल ही लगा दिया। तो हमारे यहाँ तो सीधा, मतलब कोई भी बात हो, जैसे दिल्ली में कुछ ही लेते थे, बहुत घबराता हूँ भाई, ये टीवी असली है कि नकली है, पुर्जे सही है कि नकली है, कुछ पता पड़ता ही नहीं मुझे, मेरे जैसे ज्ञान वाले व्यक्ति को भी नहीं पता पड़ता। इसलिए असली और नकली साधुओं की पहचान आप नहीं कर सकते, और हम उस ब्रह्मजाल में उलझ जाते हैं, क्योंकि उनके चमकीले वस्त्र होते हैं, भगवे कपड़े पहने हुए होते हैं, और त्रिपुण लगाया हुआ होता है, और रुद्राक्षी 10-15 मालाएं पहनी होती है, और आंखें लाल होती है सुल्फ पीने से, आप तो बहुत मांगा, फिर बातें ऊंची करते, बेटे तुम क्या समझते बच्चे, हम उड़ा देंगे तुम्हें चुटकियों में। महाराज ऐसा मत करिए, बच्ची एक लिए, पत्नी अकेली है, आप घबरा जाते हैं। तो झपट मार दे तो साधु जी बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे आराम से, क्योंकि उनसे ज्यादा ज्ञान मैं आपको दे रखा है, उनसे ज्यादा आप व्यक्तित्व हैं, उनसे ज्यादा आप साधना कर सके और कर चुके हैं, मगर आपको अपने मन में भय है कि मैं क्या करूं। इसलिए नकली साधुओं की पहचान नहीं होती, नहीं होती, आप भ्रम में उलझते हैं, और उनकी वजह से और पाखंड ढोंग दूर फैलता है। 100 में से 98 चीजें नकली होंगी, तो 2 चीजें भी असली हैं, वो भी नकली कहलाएंगी। इसलिए ये जो डिफरेंस है ये तभी हो सकता है जब आपने ज्ञान चक्षु जागृत हो। ये तो चमड़ी के चक्षु है, चर्म चक्षु है, फिर ज्ञान चक्षु, फिर दिव्य चक्षु। और इस प्रकार की साधनाएं करने पर आदमी तो फिर भी धोखा दे सकता है, बेटा धोखा दे सकता है, बाप धोखा दे सकता है, अब सर धोखा नहीं दे सकती, यक्षिणी धोखा नहीं दे सकती, यहां तक कि भूत प्रेत भी धोखा नहीं दे सकती। और हम डरते हैं भूत से कि भूत तो ऐसा लंबा चौड़ा सीधा गला घोंटने वाला होगा, वैसा ही है जैसे हमारे आदमी, वह योनि एक अलग है, और हमारे घर में हमसे ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है, धोखा दे ही नहीं सकता, यदि उसको सिद्ध कर ले। यदि अप्सरा को सिद्ध कर लें तो आप खुद नव यौवन में एकदम से यौवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये यक्षिणी सिद्ध करने जीवन में आर्थिक अभाव रह नहीं सकता, आप सिद्ध पुरुष बन जाएं तो वे जो शास्त्रों में लिखित साधना है वो आप कर सकते हैं,
वापस आप सुंदर बन सकते हैं, वापस यौनवान बन सकते हैं, वापस तेजस्वी बन सकते हैं, अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं, आर्थिक उन्नति करने वाले बन सकते हैं, जीवन में कोई कमी नहीं रहे वैसा बन सकते हैं। सकते मैं इसलिए लगा रहा हूं कि आप में क्षमता है, मगर आपको एक्टिविटी करने में हिचक है, थोड़ी थोड़ी घबराहट है, करें नहीं करें, करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, और ये हिचक आपकी मिटनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पर कई बार जोर देता हूं, एक बार आपको समुद्र में कूदना ही पड़ेगा। अब समुद्र किनारे बैठे बैठे हैं आप घबराते रहे कि क्या होगा कैसे होगा, और हमारे मानसिकता ऐसी बढ़ गई है कि बच्चों को पकड़ के घर में बिठाते हैं, सड़क पर मर जाना, सड़क पर तो मर जाएगा, स्कूल जाते समय ध्यान रखना और गड़बड़ हो जाएगी, और छींक आ गई तो तकलीफ आते हैं, आप उसको फ्री करते ही नहीं, और शुरू से उसकी मानसिकता ऐसी दब जाती है कि कोई जोखिम नहीं उठाता जिंदगी में, सीधा ऑफिस जाता है, सीधा सीधा घर आ जाता है, फिर टैक्सी में बैठ के ऑफिस चला जाता है, बस आधे घंटे लेट आए तो पत्नी शेर नहीं तरह वहां करने लग जाती है कि 5 बजे छुट्टी होगी, 7 कैसे बज गए तुम्हें, अरे फिर बच गए, लेट हो गए, हाँ लेट तो तुम रोज होते हो, मुझे भी मालूम है तुम लेट होते ही हो। अब वो बेचारा 5 छुट्टी होती है, सीधा बस पकड़ के पहले बस जो भी मिल जाए, कौन सारी रात झगड़ा करेगा सर, चलो घर चले, पहले वो जिंदगी में क्या करेंगे, गुरु जी घर आएंगे तो अच्छा कहाँ गए थे, बस वहां जाओ, अब गुरु जी क्या करेंगे तुम्हारा, हो गए तुम महान सिद्धि पुरुष, अरे आटा कमा के लाओ, सुबह नौकरी कमाओ, 2-4 रुपए कमाओ, रिश्वत रिश्वत आएगी नहीं तो कैसे कमाओगे तुम, कुछ आप करना चाहते हैं तो भी नहीं करने देते। और ऐसे पुरुष भी हैं, अगर उनकी पत्नियां गुरु के यहां जा जाती हो बस आग बबूला, मालूम पड़ जाता ऑफिस में कि अच्छा घर टेलीफोन किया था, घर थी नहीं, कहां गई थी, कैसे गई थी, अच्छा उनके घर गई थी, मित्र के घर, वहां टेलीफोन करेंगे, तुम्हारे घर आई थी, अरे भाई तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें भरोसा नहीं पत्नी पर तो जिंदगी कैसे लेगी तुम्हारी, और तुम भरोसा नहीं करोगे पत्नी, पत्नी तुम पे कैसे भरोसा करेगी, और यदि वो भूल चुका है कि गुरु जी यहां गई, बस सब सत्यानाश हो गया, वो तो बर्बाद हो ही गई, तुम्हें साधु बना लेंगे गुरु जी, मैं खुद ही नहीं बना साधु, संदेश नहीं बना, तुम्हें कहां से बनूंगा, क्यों बनूंगा। मगर ये जो संदेह है ये आपके अपने जीवन में है, पत्नी पर विश्वास नहीं, बेटे पर विश्वास नहीं, खुद पर विश्वास नहीं, साधन पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, मंत्र पर विश्वास नहीं, और अविश्वास की दीवार पर महल नहीं मिल सकता। इसलिए यक्षिणी साधना के माध्यम से और षोड़श यक्षिणी साधना के माध्यम से आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, जो जीवन में अविश्वास नहीं कर सकते, और हम कई बातों में विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारी बुद्धि में जितनी बात आती है उसमें विश्वास करते हैं। अगर मैं कहूं कि एक टीवी पर, अगर मेरे दादाजी को कहूं कि आप टीवी देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बोलेगा जो 10,000 मील दूर है, वो आप देख लेंगे और बोली सुन लेंगे, तब उनकी खोपड़ियों में बात आ ही नहीं सकती। उसने कहा कि मुझे मूर्ख मत बना, बहुत दिन दुनिया देखी है, अब 10,000 लोगों से मतलब वो आदमी बोलेगा यहाँ कैसे देखेंगे, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है ही नहीं, मतलब ये क्लिंटन है, आप देख लीजिए, ना ये है ही नहीं, ये फ्रॉड है, उन खोपड़ियों में बात नहीं आ सकती कि ऐसा विज्ञान ने कर चुके हैं, ऐसा ज्ञान उससे भी पहले कर चुका है, विज्ञान अब किया है, ज्ञान इससे भी पहले कर चुका है, मगर आपको दिमाग में वो बात नहीं आएगी, जैसे मैं दादाजी के माइंड में भी वो बात जम नहीं पाती है, नानी जी के माइंड में बात नहीं जम पाती है, उनकी एक टाइम हो गया, उम्र हो गई, आपकी एक उम्र हो गई है, और आपके बेटे तो विश्वास करेंगे नहीं, वो करेंगे फ्लर्ट, वो जाएंगे डेटिंग, और वो करेंगे सीधी शादी करके आपके पास में चरण स्पर्श करने के लिए आएंगे, बस खत्म, पिताजी आशीर्वाद दीजिए हम शादी करके आ गए, लो आप मन में समझोगे कि 2-4 लाख रुपए मिलेंगे, शादी करेंगे, ढोल तमाशा बजेगा, तो ढोल को तमाशा सीधे, आज भी 2 लोग आए कि कर्म फूट गए मेरे, क्या हुआ कि बस अब कुछ नहीं रहा, मैंने कहा सब घरवाले तो जिंदा है, अरे जिंदा क्या, सीधा शादी करके साला घर आ गए, अब 5 लाख रुपए डूब गए गुरु जी, 5 लाख रुपए डूब गए, कितना घाटा हुआ होगा, और 5 लाख आप ब्याज में 5 साल में ब्याज में 5 लाख 10 लाख होते हैं बैंक में, और उसके 5 लाख 5 साल बाद 20 लाख होते हैं, और वो 1 करोड़ तक पहुंच गए, कितना घाटा हुआ है, बहुत घाटा हुआ, कर क्या सकते हैं, कि उस लड़के को समझाइए कि लड़के को भगाए, सीधा चल खुश कर लिया, मैं कार्ड छपा था, एक दो जगह बात कर रखी थी, 5-6 ही मिलते, मैं तो ऐसा ये साधन मेरे पास नहीं है, आ गए शादी कर ली तो हो गई, जन्म उनके बंधन में वो गए तो हो गए, कि क्या खड़े खड्डे में जन्म है, सारा कपूत है, असली कपूत कैसे कहते हैं, आप मेरे बेटे को देख लीजिए, असली बिल्कुल, मेरे दिल्ली में असली मिलते हैं क्या है, ऐसे आने वाला युग ऐसा है ही, क्योंकि आप उनको दबोचेंगे तो वो फ्री नहीं हो पाएंगे, फिर दबोचा हुआ आदमी गेंद दबोची हुई फिर छोड़ेगा वो देगी, पहले से गेंद को आप दबोचे नहीं तो सीधी गुड़ती रहेगी चलती रहेगी, मगर आपने हर पॉइंट पर दबाया है, वहां नहीं जाना है, राम नहीं मिलना है,
होटल में नहीं जाना है, रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, टाइम पे घर आना बेटे, टाइम पे घर चले जाना है, आंख नीचे रखना, सुनना कुछ मत, वो नहीं नहीं नेगेटिव नेगेटिव करते करते वो बेचारा दुखी हो जाता है। अच्छा मैं करके दिखा दूंगा इनको, सुनो ये भी बहुत, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी 1997 में जवान हूं। और वो कहते हैं गुरु जी इनसे हमारा मेल नहीं हो सकता, ये सब पुराने हो गए, पुराने हो गए तो माँ बाप नहीं बदल सकते, दुनिया में भगवान ने कोई युक्ति निकाली नहीं, पत्नी बदल सकते हैं, बेटों को गोद, माँ बाप को गोद ले सकते हैं, बदल सकते हैं, क्या करें, जो आ गए सो आ गए, अब तुम उसको संभालोगे, नहीं संभालोगे, यूजलेस है, अब तो यूजलेस ही, तुम 18 साल के हो गए, उस वक्त यूजफुल थे जब तुम पेट में थे, उससे पहले यूजफुल थे, अब यूजलेस हो गए, मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप मुझे समझाइए, पैसे मैं देता हूँ, आप, मैं बुलाता हूँ, आप एकदम दीक्षा देंगे, मेरी बात माने बस। यहाँ तो अनेक तरह के जीव आते हैं, अनेक तरह शिष्य आते हैं, मगर मेरे से कहने का पीछे अर्थ यह है कि हमारा मानस में एक थोड़ी विशालता आनी चाहिए, विराटता आनी चाहिए, और सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए, और निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आज का प्रयोग भी वैसा ही है, षोडश योगिनी प्रयोग, जो योगिनी एक प्रेमिका के रूप में, सहेली के रूप में, मित्र के रूप में आपके साथ रह सकती है। प्रेमिका का मतलब यह नहीं है कि कोई आप सेक्सुअल पॉइंट है, प्रेमिका का मतलब है कि आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। राधा की, कृष्ण की, मतलब सैकड़ों प्रेमिकाएं थी, सब उसकी पत्नी बन गई, क्या फ्लर्ट करने लग गए थे? प्रेम अलग चीज है, आपकी आंखें वास्तव में भूल जाती है उसको देखते ही, बस वास्तव में प्रेम में ये डिफरेंस है, प्रेम में वास्तव नहीं हो सकती। और आप प्रेम को, जब मैं प्रेम करूं तो आपके तुम माइंड में वास्ता घूमेगी। प्रेम का मतलब है, प्रेमिका का मतलब है, या प्रेमी का मतलब है कि आप उसके साथ बातचीत कर सकें, सलाह कर सकें, सलाह दे सकें, अपनी उनकी अनुकूलता प्राप्त कर सकें, उनको संगीत सुन सकें, और उसके माध्यम से अगर हमारे वृद्धावस्था यौवन अवस्था बदल सकती है, और यदि हम असुंदर हैं तो सुंदरी बन सकती हैं, तो उसको साथ लेने में, उसकी साधना करने में कोई दोष नहीं है, चाहे अप्सरा साधना हो चाहे यक्षिणी साधना। और 16 यक्षिणियों में भी धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौंदर्य, जीवनोच्चता, कीर्ति, पुत्र पौत्र और जीवन में मनोवांछित कार्य सफलता, ये 16 योगिनियां हैं। और एक योगिनी के अंदर भी ये 16 गुण समावेश है। यानी मैं इन साधनों करके सफलता पा चुका हूं तो मैं कन्फर्म हूं कि ये मंत्र सही है, ये साधना विधि सही है, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास नहीं होता या तो इस गुरु जी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फ्रॉड भी हो जाएगा तो मैं भुगत लूंगा, पर अब मैं छोड़ूंगा नहीं और मुझे सफलता मिली। मैं भी आपकी तरह शिष्य था, आपकी तरह मेरे में संदेह भ्रम थे, आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज था, पर आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे शास्त्र प्रामाणिक है, उसके माध्यम से सही तरीके से सही मंत्र सही गुरु मिले तो हम उसमें सफलता पा सकते हैं। होना चाहिए आप में परिश्रम करने की भावना, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। जब आपके मन में जो गैप रहेगा तो नहीं सफलता पा सकते, तो मैं कितना ही जोर लगाऊं तो आपको सफलता दे ही नहीं सकता। या तो आप पूरी तरह से समर्पित होइए या मत होइए। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे शिष्य बनिए, ये भी नहीं कहता हूं आप समर्पण बनिए, ये भी नहीं कहता हूं आप मुझे धन को यश मान दीजिए, बस मैं प्रारब्ध में और मेरे परिश्रम में है तो मैं अपना प्राप्त कर दूंगा। मगर आप जुड़िए तो शिष्य का मतलब है हृदय के अंदर जाकर बैठ जाना, शिष्य शब्द का अर्थ ये है। आप अलग थलग रहते हैं, अलग थलग रहने से गुरु शिष्य का संबंध नहीं बन सकता, फिर गुरु से कुछ आपको प्रदान कर लेता है, साधन में भी आपको असफलता मिल सकती है। मैं तो आप दूसरी बार कहें गुरु जी मुझे चूक कहां हुई है, गलती कहां से हुई, और वो बताएगा कि आपकी गलती यहां पर थी, इसको वापस तुम्हें करना पड़ेगा। और मान लो 10 साल मेहनत करने के बाद भी योगी निषिद्ध हो गई तो पूरा जीवन आपका संवर जाएगा। एक MA पास करने के लिए, एडमिशन लगाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है और 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब एक डॉक्टर बनता है जो एडमिशन लगाना जानता है। वहां तो आप 5 लाख खर्च कर लेंगे, 10 साल भी लगा देंगे, और ये आप 5 मिनट में सिद्ध करना चाहते हैं, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। आप में जितना विश्वास होगा उनके प्रति, मंत्र के प्रति, अपने खुद के प्रति, गुरु के प्रति, उतनी जल्दी सफलता मिल पाएगी। और यदि विश्वास नहीं है तो साधना का रास्ता आपके लिए सही नहीं है।
यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, कहीं पर भी हरदम हिचकिचाएंगे। और हिचकिचाना जिंदे जी मृत्यु को प्राप्त करना है, क्यों? असंभव जैसी कोई चीज है ही नहीं संसार में। जो कुछ भी है बिल्कुल संभव है और 100% संभव है। यहां मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट जुड़ा है, कई दिल्ली में सैकड़ों लोगों में जुड़ा है। अब यहां से बैठे बैठे आप न्यूयॉर्क अमेरिका का अखबार सुबह पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे इस टीवी पर, कंप्यूटर पर। उस कंप्यूटर में बैठे बैठे आप इंग्लैंड के किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जापान के किसी शो को आप देख सकते हैं। संसार सिमट करके उस कंप्यूटर में केवल 10 इंच में समावेश हो गया है। अब आप बात मानेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको विज्ञान से ज्यादा पाला पड़ रहा है। सुबह से लगा के शाम तक आप विज्ञान से जुड़े रहते हैं। पहले घड़ी घंटी बजाएगी, 6 बज गए तब आप उठते हैं, फिर घंटी बटन दबाते हैं नौकर आता है, फिर आप गैस निकलती है तो आप चाय बनाते हैं, फिर आप उसके बाद में ऑफिस जाते हैं तो स्कूटर लेते हैं हाथ में। अब ये सब चीजें स्कूटर गैस ये सब विज्ञान है, ज्ञान के साथ आपका संबंध है ही नहीं 24 घंटों में। इसे विज्ञान तो आपको समझ में आ जाती है पर ज्ञान आपको समझ में आता नहीं, क्योंकि 24 घंटों में केवल उतना ही समय जो मेरे साथ व्यतीत करते हैं वही ज्ञान के साथ व्यतीत करना है, जबकि आपको 20 घंटे साथ मेरे साथ जुड़ना चाहिए, 5 घंटे जुड़ना चाहिए, 5 मिनट जुड़ना चाहिए, पूरी तरह से जुड़ना चाहिए। जो भी आपके गुरु उनके साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए ये षोडश योगिनी साधना अपने आप में जीवन की बहुत, और कोई साधना नहीं करें तब ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद उस साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि आपको पूर्ण योगवान बनना है, क्षमतावान बनना है, स्फूर्तिवान बनना है, यदि सुंदर बनना है, सुंदरी बनना है, तो ये एक ही साधना बहुत है। वैभव प्राप्ति करनी है, जो कुछ करना है इस आज की साधना में, क्योंकि ये तंत्रात्मक साधना है, ये मंत्रात्मक साधना है, और प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। कोई भी ग्रस्त हो, अगर मैं ग्रस्त हूं मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मुझे साइड इफेक्ट नहीं है तो आपको भी नहीं हो सकते। कर सकते हैं और करनी चाहिए, और आप करें तो उससे सबसे आप सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे मिलेगी कि आपको सफलता मिली। चाहे 10% मिली तब भी मिली, आपने एक बार विष्णु को देखा चलो दूसरी बार प्रत्यक्ष हो जाएगी, चलो तीसरी बार हम जो मांगेंगे वह मिल जाएगी। जब भी आपको अवसर मिले मैं इस प्रयोग को, उस मंत्र को जो मैंने सिद्ध किया था, वही मंत्र वही प्रयोग आपको दे रहा हूं, और जो योगिनी तंत्र में दिया हुआ है वही आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। आप उस मंत्र को करें और प्रयत्न करें, और पहली बार में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं दूसरी बार प्रयत्न करना पड़े, तीसरी बार प्रयत्न करना पड़े। सबसे पहले आप गणपति को हाथ जोड़ें, सीधे बैठ जाए और गणपति स्मरण करें। ओम शुंखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्टोरुनाशो विनायकः धूमकेतुगणाधीक्षो भालचन्द्रो जाङ्गः द्वादशैतान्नामानि अप्रेक्षमानपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्मिगता सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं च तुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय येषामिन्दी वृश्यामोदयस्थोऽपि जनार्दन अभिक्षितात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः शर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीहरणगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्र आदौ संकल्पम कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लें और संकल्प करें। राइट हैंड आपका वो है, जल नहीं होता, मान लीजिए हाथ में जल है। मानसिक पूजा भी होती है। ओम विष्णु 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 भागवत श्री बलखंडे जमुदीप शालिमान साके बोधा अवतार समय सौम्य को समता 2054 ज्येष्ठ मास समय शुक्ल पक्षे आस द्वितीय वहीवासी रात्रो अखिल कुटुंब सहित समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु आयु आरोग्य थाम अमुक गोत्रोत्पन्न हम गोत्र जाति बोलिए अमुक शर्मा हम ताम शिष्टम धारियामी मम पूर्ण षोडश योगिनी प्राप्त सिद्ध हुए ताम गुरुत्वं मंत्र प्राप्त है ताम पूर्ण सिद्धि ये तो स्वामित्व संप्रदाय छोड़ दीजिए।
यज्ञोपवितम धारयामि नमः, सभी धागा आपके सामने पड़ा यज्ञोपवित, वो ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवित धारयेत, गले माला की तरह पहन लीजिए। यज्ञोपवितम परमोपवितम प्रजापति सहजम पुरस्ता आयुषम प्रति शुभ्रम यज्ञोपवितम तेनो पधयामि चित्रादु गुरु प्रार्थिएत। आज उड़िए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मी श्री गुरु चरंगले। आगे सुनिए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और इस श्लोक में नहीं लिखा है, ये यजुर्वेद श्लोक आया हुआ है कि मंत्र गुरु मुख से प्राप्त हो सकता है और मंत्र का मूल गुरु के शब्द है, जो बोला वो शब्द है। मैंने आपको आज्ञा दी कि साधना करनी है, ये अपना अपने मंत्र है। और जीवन में सभी प्रकार से कष्टों से मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष मूल मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं, कष्टों से छुटकारा पाना गुरु की कृपा से संभव है। जो भी गुरु हो, तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा, आप जीवन कोई भी गुरु हो सकता है, जिसको भी ज्ञान हो वह गुरु है। उच्च कोटि की सामग्री है और सभी मंत्र सिद्ध है। पहले माला हाथ में लीजिए, प्लास्टिक खोल दीजिए, माला को हाथ में लीजिए। ओम माले माले महामाई सर्वशक्ति सूत्र चतुर्वर्गस्ते तस्मान सीताम पूर्णतम एतोस्मान सकृति कल्याणतम दीर्घ सदोषा पूर्वा सा एतोस्मान चतुष्षी योगिनी प्राप्त निमित्तम मैं पूर्ण सिद्धि सिद्धि पुरुष प्राप्त सतुभ्यम संपर्द दे। इसको गले में धारण कर दीजिए। अब इसके बाद में गुटिकाएं हैं, वह गुटिका आपने हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में लीजिए। राइट हैंड दाहिने हाथ और हाथ सीधे रखिए, खुली हथेली रखिए। ओम चाम पुरुष्याम तुष्मानम शक्ति कल्याण तम दीर्घस्याम तुष्मानम सा चिंतयामी प्रचा पूर्वा सा दिव्य पूर्वा सोदि कल्याण तम दीर्घस्या सा पूर्वा तुष्मानम सा तुभ्यम मम मनोमासिक अमस्तम शीघ्र शीघ्र षोडश योगिनी प्राप्त सिद्धये सा पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम सर्व सोक्षम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य कीर्ति पूर्णत्व योनि प्राप्त निमित्तम से तुष्टता पूर्वा तो स्वयं मम मित्र अप्सरा सिद्धि ताम एतो स्वयं सिद्धि पूर्वता पूर्वता सतभ्यम इदम सौभाग्य प्राप्त निमित्तम सतभ्यम संपर्दे मिश्रम वो जी पूर्णाम परि पराम पत पूर्णाम पुनरापत वस्तु का जगम शतकृत हो। ये दोनों भी आपको अपने पूजा स्थान में रखने हैं। और शिवलिंग आपने एक तरह से ये शिवलिंग है, आपने सफेद शिवलिंग देखे, पीले लाल और भी कई तरह के शिवलिंग है जो कि दुर्लभ वस्तु है, वह आपके सामने प्रदान की है। घर में कोई छोटी सी चांदी की कोई पात्र हो या तांबे का पात्र हो तो नीचे पत्ता रख करके और इसको रख सकते हैं, और श्रावण महीना आ रहा है इसके ऊपर जल चढ़ा करके पूरा शिव का पूजन कर सकते हैं। वैष्णव साधना में भी इसका पूजन किया जाता है, वो जल चढ़ा के पहुंच करके इसके ऊपर कुमकुम का या केसर का तिलक लगाया जाता है, और इसके साथ में योगिनी है इसको भी साथ रख करके उसका पूजन होता है, इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में यंत्र है, यंत्र लीजिए हाथ में और यंत्र को जल से स्नान कराइए। ओम गंगे चंदी और गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुका जलेशी करो ब्रह्मांड तीर्थान पृष्ठांति तेन सत्यन में देवी तीर्थम देहि दिवा करो सर्वे समुद्र सर्त तीर्थानी जलदांद आयान शांति प्रतिक्षेकार तय स्थान समर्प्यामि नमः, दधि स्थान समर्प्यामि नमः, कृत स्थान समर्प्यामि नमः, मधु स्थान समर्प्यामि नमः, शर्करा स्थान समर्प्यामि नमः, पंचाम स्थान समर्प्यामि नमः। फिर शुद्ध जल से शुद्धवाल अश्वशुद्धवाल लोमणिवाल अस्ताश्विना श्वेता श्वेता क्षुर्ण से रुद्राय पुष्पते कृणाम जामाम अवग्रह सोतम शुद्ध स्थान समर्प्यामि नमः प्रच्छयामि। आपका दुपट्टा है पवित्र, उसे पहुंच लीजिए। स्मृति लक्ष्मी ताम दीर्घश्याम लक्ष्मी चेतन लक्ष्मी पूर्णश्याम शर्पाप दोष निवारण लक्ष्मी योगन लक्ष्मी सा पूर्ण आय कल्प लक्ष्मी चेतन लक्ष्मी धर्म समृद्धि लक्ष्मी
ताम पुरुषम घोर सुगंध चूर्णा ताम कीर्ति चूर्णा साम पूर्ण आयु प्राप्त निगम अकाल मृत्यु निवारणाय मो मनो वांछित कामना सिद्धाय अक्षतम समर्पयामि ओम अक्षम नमि मन धैर्यादुगतस्तु खत स्वभावो विप्राक्षम समर्पयामि नमः। दोनों हाथों में इसको ले लीजिए, इसी चावल गिरे नहीं, जो भी चावल इस पर लगे हो कुमकुम लगा हुआ हो आप दोनों हाथों में लीजिए और हाथ आपके सीधे होने चाहिए मेरी तरफ, ऐसे झुके हुए नहीं, जैसे मेरा हाथ है ऐसा है, खम नहीं हो हाथ में, बिल्कुल सीधे स्पष्ट हो जवान व्यक्ति की तरह। मैं शक्तिपात आप मेरी आंखों में देखेंगे और पलक झुकाएंगे नहीं, और ये यंत्र सामने पड़ा ही है, इस यंत्र को आपसे आपके नाम से सिद्ध करना है और आपको शक्तिपात करना है जिससे कि आपको सफलता मिल सके। यह अपने आप में यक्षिणी शक्तिपात मंत्र कहलाता है। ओम खेत वर्जे त्वाम वासुदेव सविताम प्राकृत शेषमाय कमनाप्या इंद्राय भागम प्रजापति वाय मामस्ती सुखोषा तब्बी यजमान शिशा पूरा तो स्वयंतम दीर्घा यक्षिणी समुद्री अप्सराया सामने प्रेमिका रूपेण साम देखो दुश्मन स प्रेम स चैतन्यपूर्ण कायाकल्पेण ब्रह्म समुद्धि प्राप्त निमित्तम सब चैतन्य रूपेण साम सखी रूपेण ताम समुद्रा पवित्र स्वामी सा पति पत्नी रूपेण सा चैतन्यपूर्ण कल्याण काम दीर्घो दीर्घो सदा सदा पूर्व सा मम मंत्र प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध्यर्थे सा कार्य अनेक रूप रूपाय ताम पूर्वा जलगमनम वायुगमनम सा ब्रह्मांडगमनम परिपाश्वन्ति सा विद्या परिप्राते सिद्धासनान्ते सा एतस्मनम सद्यो कल्याणम कल्याणम अंकम चंडन मृदुरा मृदया मृदया मलय मलय जाग्रे जाग्रे त्रोट त्रोट दीपम दीपम पाम पिंग पार्थिव खांखी खुंखता सांसूषण इंका बालिके क्लिंकारी काम रूप में बीज रूपे नमस्ते चामुंडाचन गाति चे इंका जीवदायनी विच्छे चा वैदा नित्यम राम दीन धूम धूचरे पत्नी वाम भी वाग्रेश्वरी क्रांत कालिके देवी सांसी सुरेश गुण गुरु हम हम ओंकार रूपिणी ग्राम ग्रीम भैरव भद्रे वा निधि पुरुष्याम अथोस्मान सा शीघ्रते शुद्र कार्य सिद्धवे साम सिद्ध यक्षिणी सिद्धवे ताम गुरु मित्र गुरु प्राप्ति मंत्रेण एतोस्मान स पूर्ण चैतन्यम दृष्टिपात रूपेण म दिव्य मित्र प्राप्त निमित्तम ज्ञान मित्र प्राप्त निमित्तम सिद्धि पुरुष निमित्तम सा कल्यंतव्यम संपर्क दे। ये अक्षर लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। चलो और जो कुमकुम लगा हुआ है उस कुमकुम को थोड़ा सा उतार के ललाट पर लगा दीजिए। तो तदु मंत्र मध्यात अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं, आपके पास मंत्र लिखा हुआ है उस मंत्र को बोलेंगे। थोड़ा सा मंत्र बड़ा है मगर अभ्यास करने पर ये मौखिक याद हो जाएगा। बोलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं म्रं श्रीं सौं घ्रं शं दुं क्री रू म्रम प्रौम यम सं गुम षोडश योगिनी नमः। इस मंत्र में म की ध्वनि आवे या ग की ध्वनि आवे कोई डिफरेंस कोई चिंता करने की बात नहीं, एंग बोल सकते हैं एम बोल सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस मंत्र बोल रहा हूं ओम एंग रू क्लू श्री ब्रह्म सौम ब्रह्म शम ब्रह्म क्रीम रीम म्रम प्रौम यम सम गुम षोडश योगिनी नमः। ओम ऐं रीम क्लीम श्रीम ब्रह्म स्रौम ब्रह्म शम ब्रह्म क्रीम रीम म्रम प्रौम यम सम गुम षोडश योगिनी नमः। आपने योगिनी तंत्र किताब पढ़े तो इस एक एक अक्षर पर आठ आठ दस दस पेज लिखे हुए हैं। एन पर आठ पेज है, एन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये बीज क्या चीज है। फिर रीम पर भी दस बारह पेज है। पूरी षोडश योगिनी 300 पेज की जो पुस्तक है उन 300 पेज की पुस्तक में केवल उन बीज मंत्रों का विशेषता बताई गई है, इसलिए बीज मंत्र को मामूली बात नहीं है। इसको शुद्धता के साथ उच्चारण करना, और शुद्धता के साथ उच्चारण आपको गलत है तो कैसेट में मैं बोला उच्चारण आप बस बार बार सुन लेना, सुन लेंगे तो आप शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे और इस मंत्र को आपको जप करके सिद्धि प्राप्त करनी है।
अब इसके नियम क्या है वो आपको समझा देता हूं। उन नियमों का पालन करना है और इसमें छह नियम महत्वपूर्ण है, चार नियम और है। महत्वपूर्ण नियम पहला यह है कि आप हर हालत में पीली या सफेद धोती ही पहनेंगे या पीली या सफेद साड़ी ही पहनेंगे। आप पंजाबी मतलब हैं और आज कुछ कह रहे थे कि मैं तो पंजाबी ड्रेस के अलावा साड़ी मुझे पहननी आती नहीं, क्योंकि मुझे भी मतलब धोती पहननी आती नहीं थी शुरू में। किसी के बाजार में मिलती है उस पीले रंग में रंग दीजिए, या सफेद रंग की धोती हो या पीली धोती हो या सफेद धोती हो साड़ी हो, आप उसको पहनिए। इसके बाद दूसरा नियम, इसके साथ साथ नियम ये है कि सिले हुए वस्त्र आपके नहीं हो, बनियान कुर्ता या कच्छा आपके नहीं हो, स्त्रियां ब्लाउज वगैरह पहन सकती हैं। पहली बात ये पहली होगी। दूसरा, आसन आपका पीला या सफेद आसन हो जिस पर आप बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके, कि उत्तर में हिमालय है और उत्तर में भगवान शिव है, उत्तर में पार्वती है, उत्तर में कुबेर है, हिमालय में सब कुछ समावेश है, सिद्ध मुनि योगी, इसलिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। नंबर तीन, ये रात्रिकालीन साधना है, दिन में यह साधना सिद्ध नहीं होती, 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में मंत्र जाप करना जरूरी है। चौथा, इस साधना में, ये 16 दिन की साधना है, इस साधना में दैनिक और डेली कुछ न कुछ अनुभूतियां होंगी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपको गुरु की आवाज आ सकती है, आएंगी, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा आ सकती है, कभी लगेगा जैसे कमरे में से कोई निकला एकदम से बाहर, कभी एक लगा कि दरवाजा भड़बड़ाया और एक अंदर गुस्सा, इसे दरवाजा बंद नहीं करना है, सांकर लगा करके दरवाजा थोड़ा सा खुला रखना है। कभी आपको लगा कि जैसे सुगंध का झोंका तेजी से आया, कुछ दिखाई नहीं दिया, ये अनुभूति रोज होगी, नहीं तो अनुभूतियां हो रही है तो समझ रहे आप बिल्कुल सही दिशा में और बढ़ रहे हैं। 16वें दिन कोई एक यक्षिणी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हैं, आपके पास आके बैठे, उस समय भी आपको न बिजली धोने की जरूरत है न डरने की जरूरत है, माला पूरी करनी है आपको, क्योंकि इसमें 16 माला मंत्र जाप रोज करना है और 16 माला मंत्र जाप करने में आपको 1 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा, शुरू में 1.5 घंटा लगेगा, फिर 1 घंटा लगेगा। हिमालय पे चढ़ना है तो थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, छोटी पहाड़ी पे चढ़ना है तो आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, दौड़ तो चढ़ जाएगी। 16 माला मंत्र जाप 16 दिन तक करना है, 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में। शाम में केवल तेल का दीपक लगेगा, घी का दीपक नहीं लगेगा, और तेल कोई भी हो सकता है उसमें, खासतौर से तिल्ली का तेल होना चाहिए, मूंगफली का तेल होना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल में कड़वाहट ज्यादा होती है, आंखें में जलन सी होने लग जाती है। और दरवाजा थोड़ा सा खुला रहना चाहिए जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सके, दरवाजे बंद करके सारे मंत्र जाप नहीं होते। और उस तेल के दीपक में थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके पास होना चाहिए, एक बूंद उसमें टपका दें, डालते हैं। उसके बाद में आपके पास योगिनी माला होनी चाहिए, जो जरूरी नहीं बता रहा हूं, उस योगिनी माला से ही मंत्र जाप होता है, दूसरी माला से या दूसरे उपयोग की हुई माला काम नहीं आ सकती। अगला पॉइंट, आपके सामने गुरु चित्र होना अनिवार्य है, बहुत गुरु चित्र हो जो लोगों से नियुक्त हो, जो स्नान करवा सकें, धो सकें, पहुंच सकें, ये ऐसा खाली कागज का होगा तो आप एक बार धोएंगे तो गल जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। सामने चांदी का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, और नीचे नागरवेल का पत्ता या पीपल का पत्ता या कोई पत्ता डाल दें, गुलाब का फूल डाल दें, उसके ऊपर यंत्र रख दें, पास में चावल की ढेरी लाल कपड़ा बिछा दें, लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर बर्तन हो, पात्र हो, पात्र में इस प्रकार से गुलाब के फूल रख करके या कोई पुष्प रख करके इस यंत्र को स्थापन करना है। पास में चावल की ढेरी बना दें और चावल के ऊपर गुरु चित्र को स्थापित कर दें। उसके बाद में आप सबसे पहले
अपने आप को पवित्र करें, जल हाथ में लें और पवित्र करें कि मैं अब मेरे ऊपर गंगा स्नान हो रहा है या यमुना स्नान हो रहा है, मंगली चिमनी और गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशनी गुरु, या जैसे अपवित्र पवित्र वाम स्वभावस्थान गुतवा यश में कुंडली काक्षम से बाह्या गम तम सूची, ऐसा बोल करके या टैप लगा दें ये मंत्र सुन करके अपने ऊपर जल छिड़कना है। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प बनना है, हिंदी में बोलना है, मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक गोत्र, अमुक जाति, मैं षोड़श योगिनी को प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहता हूं, इसलिए यह साधना कर रहा हूं, और छोड़ दीजिए जल को जमीन पर। उसके बाद गुरु पूजन है, और यहां पर पुस्तक है तांत्रिक गुरु पूजन की, ये तांत्रिक साधना है, और तांत्रिक मतलब निश्चय ही सिद्ध हुई, उस दृष्टि से आप पहले गुरु पूजन करेंगे जिससे कि वो आपके लिए बिल्कुल सहायक हो सके, और श्रद्धा के साथ करेंगे गुरु आपके सामने हैं प्रत्यक्ष। उनको स्नान करवाएं, उनको पहुंचें, उनके ऊपर कुमकुम का या केसर का तिलक करें, अक्षय चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और अगर हो सके तो अगरबत्ती लगाएं और इत्र लगाएं, और गुरु मंत्र की एक माला करें, क्योंकि 16 मालाओं के पहले एक माला गुरु मंत्र की, लास्ट में भी एक माला गुरु मंत्र की होगी, कुल 18 मालाएं होगी, यूं समझ लो, उसी माला से, योगिनी माला से, यक्षिणी माला से। उसके बाद में यंत्र को बाहर निकाल के हथेली में देकर के उसको जल से स्नान कराए, फिर दूध दही घी शहद शक्कर हो तो पंचामृत से स्नान कराए, नहीं हो तो जल से ही मान लें कि दूध से स्नान करवा रहा हूं, दही से स्नान करवा रहा हूं, घी से स्नान करवा रहा हूं, शहद से स्नान करवा रहा हूं, शक्कर से स्नान करवा रहा हूं, गंगा जल से स्नान करवा रहा हूं, फिर आप उसको पहुंच लें, ये तांबे के बर्तन नहीं, हथेली में रख करके पहुंचने के बाद वापस उसी बर्तन में जहां गुलाब के फूल बिछे हुए उसके ऊपर रख दीजिए इसको मंत्र को, फिर उसके ऊपर कुमकुम या केसर की 16 बिंदियां लगाइए मंत्र में कहीं पर भी, 16 बार उसके ऊपर अक्षय चढ़ाइए, फिर 16 बार आप पुष्प या पुष्प की पंखुड़ियां, 16 चीजें, या तो पुष्प की पंखुड़ियां 16 होनी चाहिए या 16 गुलाब के फूल होने चाहिए, गुलाब के फूल नहीं तो कोई भी फूल हो वो चढ़ाए, फिर उसके आगे को नेवेद्य भी रखिए, कोई दूध की बनी हुई पेड़ा हो या कोई चीज हो, हलवा हो, कोई भी हो, उसके सामने किसी अन्य बर्तन में लेकर उसके सामने रखिए, उसके बाद ये माला आपके पास में जो है अभी बंदी है, ये सफलता माला पहनी हुई होनी चाहिए, ये तो बुद्ध पहना हुआ होना चाहिए, इनको आप खोल कर रखने पड़े, पर आप उस समय वापस पहने या धोती पहनी हुई होगी, ये आपका जो दुपट्टा है गुरु चादर वो पहनी हुई होनी चाहिए, और पहन करके ये कार्य प्रारंभ करने हैं या कार्य करने हैं। उसके बाद में सिद्धाश्रम गुटिका पर आप तिलक करें, इसलिए कि सिद्धाश्रम के जितने योगी यति जो 2000 साल के, 1000 साल के, 5000 साल के हैं, गुरुदेव सच्चिदानंद जी हैं, वे भी आपकी साधना में सफलता दे सके, इसलिए उस गुटिका को भी प्रणाम करें, उसी प्रकार से पूजन करें, जल से थोड़ा धोएं, पहुंच लें, केसर का तिलक करें, अक्षय चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल रखें, मिठाई का भोग रखें, उन सभी संतों को, उन योगियों को, उन सन्यासियों को जो इस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त किए हुए, उनको मानते हुए। ये गुटिका नहीं, ये गुटिका अलग है, सिद्धासन गुटिका यहां मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग को जल से धोकर के, वो गंगा जल हो तो गंगा जल से, और उस यंत्र के पहुंच करके और केसर की तिलक लगाएं, कुमकुम का नहीं, और केसर बाजार में मिलती है, केसर की डिब्बी थोड़ी सी लेकर के और थोड़ा सा घोट लेंगे तो बन जाए केसर, छोटी सी बनानी है, इस शिवलिंग पर केसर का तिलक करें, फिर एक आप गुटिका और दिए उस पर भी केसर का तिलक करें, और फिर यंत्र के सामने दोनों चीजें रख दें, यदि शिवलिंग गुड़क रहा हो तो आप मौली या किसी यज्ञ का गोल घेरा बना के सुख रख देंगे, स्थिर रह जाएगा,
नित्य आप दो मालाएं बाजार से खरीद के लाएंगे शाम को, चाहे गुलाब की हो, चाहे और कोई हो, चाहे मोगरे की हो, किसी प्रकार की दो मालाएं लाइए और वह यक्षिणी के सामने रख दीजिए, एक तरफ एक तरफ, उस यक्षिणी यंत्र के सामने। क्योंकि कई लोगों को पहले दिन में ही सफलता मिल जाती है, कई लोगों को 16 दिन मिलती है, कई लोगों को 10 दिन मिलती है, नित्य ये प्रयोग आपको माला रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप मंत्र जब प्रारंभ करें, जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र पन्ना सामने रख दीजिए बड़े अक्षर में करके, फिर मंत्र जब प्रारंभ करें। यदि मंत्र जब के बीच में, मैंने कहा कि 5, 6, 7 महीने, 2, 3 दिन कभी भी प्रत्यक्ष योगिनी आपके पास बैठे और देखें कि बिल्कुल उसको घुटना मेरे घुटने से स्पर्श कर रहा है, तब भी आप माला तो पूरी करें 16, बीच में माला खंडित नहीं करें। और उसके बाद जो माला है, दो गुलाब की है माला, उसमें से एक माला उसके गले में पहना दें, वह भी दूसरी माला आपको पहना देगी, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए नित्य 16 दिन तक इस मालाओं का प्रयोग, मतलब एक माला उसमें फेंक दी, फिर दूसरी गुलाब की या कोई मोगरी की या अलकी या सस्ती है, जो भी आप माला ला के रखें। भोग जो लगाया हुआ है, जो सामने प्रसाद रखा हुआ है, वह आप लास्ट में गुरु पूजन लास्ट में करके भक्षण कर लें, मगर वह प्रसाद अपने परिवार के अन्य लोगों को आप नहीं दे सकते। आपको थोड़ा सा प्रसाद रखिए, आप ले लीजिए। इन 16 दिनों में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, पलंग पर सो सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन होगा और भोजन दोनों टाइम कर सकते हैं, मगर रात्रि को शाम काल का भोजन आप थोड़ा करें, नहीं रात को बैठ नहीं पाएंगे, आलस्य आएगा, जम्भाई आएगी, थकावट आएगी। शाम को हल्का सा नाश्ता कर लीजिए, हल्का सा खाना खाइए, नहीं चाहे भरपेट खाना खा सकते हैं, मना नहीं है, मगर फिर आप आलस बना जाएगा, दिन को आप डट करके खा सकते हैं। मंत्र के बाद वो माला वहीं रख लीजिए और फिर आप पलंग पर लेट सकते हैं या जमीन पर लेट सकते हैं, पलंग पर लेटने में कोई दोष नहीं है। दैनिक कार्य या व्यापार या नौकरी है तो कर सकते हैं, अनुभव को आप दूसरों को नहीं बता सकते। जब तक कंप्लीट काम नहीं हो तो सुबह अपनी पत्नी को या बेटों को या पड़ोसियों को या दोस्तों को बताएंगे, आज गुरु की आवाज सुनाई दी, मैं भी मामूली चीज नहीं हूं। आप गुरु को भी नहीं बताएं, कहीं शंका हो तो आप गुरु को टेलीफोन करके पूछ लें, गुरु जी मैं सीधा चल रहा हूं, ठीक चल रहा हूं, नहीं चल रहा हूं, या प्रत्यक्ष आके मिलकर बता दें। जब 16 मालाएं होने के बाद में फिर गुरु मंत्र की एक माला होगी शुरू में अंत में, फिर गुरु का वापस उस पुष्प से या पुष्प की पंखुड़ियों से पूजन होगा, उसके बाद आप अपने दैनिक कार्य में लग जाइए, जो भी आपका रूटीन वर्क है वर्क की। सिद्धासन गुटिका जो है वह रात को तो रख दीजिए, पर दिन भर आप गले में पहने रखेंगे, ये सफलता माला और वह गुटिका, सिद्धासन गुटिका दिन भर पहने रखेंगे कुर्ते के अंदर और रात्रि को वहां पात्र में रख करके उनका पूजन करेंगे। रात में वहां रहे, चूहे आदि हो आपके घर में ज्यादा गणेश के वाहन, तो उन सारे चीजों को ढक दीजिए, चावल होंगे तो मतलब आपके चूहे उठा के ले जाएंगे, योगिनी भी उठा के ले जाएंगे, गणपति के वाहन, इसलिए आप उसको बंद करके रख सकते हैं डिब्बी में। वे चावल उस दिन जो आपने चढ़ाए हैं तो वे पुष्प आप सुबह कहीं कभी पवित्र स्थान में डाल दीजिए, किसी पेड़ के तले में या कहीं पर भी, या किसी बर्तन रख दीजिए, 16 दिन के बाद में एक साथ डाल सकते हैं। दिन भर आप प्रसन्न रहिए, मगन रहिए, मस्ती के साथ रहिए, टेंशन नहीं रहे, यह तो चिंता तो जीवन होता ही है, आप चिंता नहीं करें तो पड़ोसी चिंता करवा देते हैं, मगर फिर भी आप प्रसन्न रहें कि आप एक श्रेष्ठ साधना में निमग्न हैं और साधना सफलता की ओर अग्रसर हैं। शाम को आप स्नान करके बैठें और स्नान करने की क्षमता नहीं हो तो हाथ पैर धो करके बैठें, सुबह स्नान किए हुए होते ही हैं तो शाम को कई लोगों के हाथ लगे होते हैं कई चीजों के, इसलिए स्नान कर लें 2 मिनट के लिए गर्म पानी करके या ठंडे पानी से तो कर सकते हैं। मेरी राय में इन सब के नियम आपके क्लियर हो गए, फिर भी कोई शंका रह गई हो तो कैसेट को सुन लें तो आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। कैसेट पास में रख दें, ये मंत्र मैंने बोले हैं उसको सुन लीजिए, वह भी आपके लिए उपयोगी रहेगी। कैसेट आज ले लें या कल ले लें या परसों ले लें या नहीं लें, वो आपकी इच्छा की बात है। ये 16 दिन प्रयोग करना है, 17वें दिन उस माला को सामग्री फेंकना नहीं है, तब आपको अगर प्रत्यक्ष हो गई है
तो फिर आप उनको फूलों की माला पुष्प पहना देंगे, उसके बाद में इसको विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो यही चीज वापस काम आ जाएगी, दूसरी बात खरीदने की जरूरत नहीं है, ये यंत्र ये गुटिका वापस आपके काम आ जाएगी, वही माला हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं मिले तो दूसरी बार भी ट्राई करेंगे अपन। मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि आपको पहली बार में सफलता मिले। यक्षिणी माला या योगिनी माला जिसको कहते हैं वो काउंटर से प्राप्त कर लें, सिद्धासन गुटिका भी आप काउंटर से प्राप्त कर लें, और आपकी वस्तु दूसरा नहीं पहन सकता, आपकी चीज आपकी पत्नी उस माला को यूज नहीं कर सकती, पति पत्नी इकट्ठे भी नहीं कर सकते। अगर 10 से 12 बजे तक पति करता है तो फिर पत्नी 12 से 1 बजे करे, दोनों साथ में बैठ कर नहीं कर सकते, या कमरे फिर अलग अलग हो। रजस्वला समय में एमसी पीरियड में स्त्रियां साधना नहीं करें, कोई 4 दिन तक एमसी रहती है, कोई 6 दिन तक रहती है, उन दिनों को आप जैसे 10 दिन साधना कर लें, 6 दिन तक आप एमसी में उस समय नहीं करिए, न पूजा रूम में जाइए। फिर अगला दिन जो आपको 11वां काउंट होगा, पुरुषों के लिए बंधन है कि वे 16 दिन कंटिन्यू काम करें ही, ज्यादा अच्छा रहेगा कि जहां साधना शुरू नहीं करें रोज, कोई मजबूरी हो जाए तो यंत्र वगैरह ले जाकर के दूसरी जगह कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह जाना ही हो तो, मैं कोशिश करिए 16 दिन वहीं बैठ करके एक ही जगह में साधना बंद करें। मेरा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कभी अमृतसर जाना पड़े और अमृतसर से लुधियाना जाना पड़े तो आप जाए ही नहीं, जा सकते हैं, कोशिश करें उस दिन वापिस आ जाए, नहीं तो वहीं कमरे में बैठ के उस पड़ोसी के कमरे में बैठ के या जहां जा रहे वहां कमरे में बैठ के, मैं खंडित नहीं हो सकती ऐसे में 10 निकल लिया फिर 2 दिन आप मतलब चले गए क्या करें फिर, अब आप ऐसा नहीं कर, पुरुषों के लिए ये बंधन नहीं है, 16 दिन कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी आपको। और मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोगों को सभी लोगों को यह साधना सिद्ध होगी, क्योंकि तांत्रिक रूप से मैंने आपके ऊपर प्रयोग किया है, मंत्र दिया है और शक्तिपात किया है, इसलिए असफलता जैसी चीज है ही नहीं इसमें, पहली बार में सफलता मिलती है क्योंकि अन्य साधना को पीछे ये सरल है। यक्षिण भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उतावली रहती है, कुछ जरूरी आप ही उतावली होते हैं, वह योगिनी भी उतावली होती है कि आपसे संबंध स्थापन करें, आप भी उतावली होते हैं उससे संबंध स्थापन करें, बस बीच में इच्छा अगर है तो आपके अविश्वास की इच्छा है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इसमें सफलता प्राप्त कर, दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा सतनाम नासो स्तुत्राणाम जस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद यजुर्ण ब्रह्म वाक्स्थान तम हन्ति तस्त्रवान अक्षताल प्रस्तु तम गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशो बलम श्रीवचुष्माष्मारोग्यम आत्मेति दानिन्दनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः श्रेष्ठते लक्ष्मी सुपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि भूयातम एवं निखाणम निखाण सर्वलोकमेखाण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। यदि कोई साधक खड़े हैं वे आज शिविर में भाग नहीं ले पाए हैं तो कल या परसों सामग्री लेकर के प्रारंभ कर सकते हैं, ये कैसेट है, ठीक मंत्र सुने और उसके माध्यम से काम कर सकते हैं। कोई भी साधक जो बाहर खड़े हैं उनके मन में ये आएगा कि वास्तव में इतनी उच्च कोटि के साथ में हम नहीं कर पाए, मजबूरी हो गई, तो यहां से आकर के पैकेट ले जाकर के और कल या परसों या पड़े रोज या महीने भर बाद उस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए यहां कैसेट से मंत्र और शक्तिपात का मंत्र तो बोलना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब आपकी इच्छा है, आप साधना करें नहीं करें, आप प्रयोग करें नहीं करें, वो आपके निर्भर है। मैंने आपको जो मंत्र दिया वह अपने आप में 5000% प्रामाणिक है और हजारों संन्यासों ने सिद्ध किया है और सैकड़ों ग्रस्तों ने सिद्ध किया है और मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो और आप पूर्ण योगवान बन सके, सुंदर बन सके, सौंदर्यवती बन सके और जीवन में उच्चता के पद पर पहुंच सके, धन यश मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से कोई कमी नहीं रहे, ऐसे ही आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अब हम आरती करेंगे, अपने खड़े हो जाएंगे आप सब। सिद्धासन गुटिका अलग अलग मंत्रों से सिद्ध होती है, जैसे पहले सिद्धासन गुटिका तो काम नहीं आ पाएगी इसको फिर, और ये गुटिका दूसरी जगह काम नहीं आ पाएगी, ये पूरे जीवन भर पहनने के लिए है गले में और इसका उपयोग उस तरीके से किया जाना चाहिए, और उस माला भी आगे जीवन भर काम आएगी, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, न यंत्र को, न माला को, न सामग्री को। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं,
आपके लिए कल्याण कामना करता हूँ सफलता की। आमीन।